भारत जापान लगातार एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। जापान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा सहज रहे हैं, जिसे देखकर भारत के दुश्मनों के पेट में मरोड़े पड़ जाते हैं। लेकिन इस दोस्ती को हाल के दिनों में बेहद मजबूती देने वाले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के पीछे का कारण उनका स्वास्थ्य बताया गया है। इसके पहले भी वो एक बार स्वास्थ्य कारणों से ही इस्तीफा दे चुके हैं। शिंजो आबे का भारत के प्रति रुख हमेशा उदार रहा है। वो जब दोबारा चुनाव जीत कर आए तो उन्होंने तेजी से भारत के साथ रिश्तों को नए आयाम दिए। उनके आने से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की नींव और भी ज्यादा पुख्ता हुई। मौजूदा दौर की बात करें तो जापान भारत का मेट्रो, बुलेट ट्रेन, बुद्धिज्म, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और नवाचार में बहुत बड़ा सहयोगी है। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में जापान और भारत सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भी भारत जापान एक दूसरे को अपना सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जापान भारत में भारी मात्रा में निवेश का प्लान बना रहा है। भारत और जापान दोनों ही एक ऐसे देश हैं जिनकी चीन से नहीं बनती। इसी के मद्देनजर आने वाले महीनों में भारत और जापान के पीएम की मुलाकात की भी बात कही जा रही है। वहीं इससे पहले मंत्रियों के स्तर पर भी बातचीत होंगे और एजेंडा तय होगा, जिससे दोनों देश एक दूसरे के लिए मजबूती से काम कर सके। बीते कुछ महीनों की बात करें तो मई 2020 में ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की अलग अलग बात हुई थी, जिसमें रणनीतिक साझेदारी का मुद्दा उठाया गया था। इस साझेदारी में हिंद प्रशांत सागर क्षेत्र में लंबे वक्त के लिए नीति को तैयार करने, दूसरे देशों में संयुक्त तौर पर स्ट्रक्चर्ड परियोजनाओं को शुरू करने, संयुक्त तौर पर विकसित होने वाले रक्षा उपकरणों को चिन्हित करने और भारत जापान के तीनों सेनाओं के बीच करीबी सहयोग का ढांचा तैयार करने का एजेंडा शामिल रहा है। जाहिर तौर पर ये बातें साफ साफ इशारा करती हैं कि किस तरह से जापान और भारत एक दूसरे की मदद को तैयार रहते हैं। भारत और जापान के पुराने वक्त की भी बात की जाए तो दोनों देशों के बीच एक लंबा इतिहास है, जो आध्यात्मिक सोच में समानता और मजबूत सांस्कृतिक के जरिए एक दूसरे को जोड़े हुए है। शिंजो आबे के कार्यकाल में दोनों आधुनिक देशों ने पुराने संबंधों को और अधिक धार देने की योजना पर काम करना भी शुरू किया था, जो अच्छी तरह आगे भी बढ़ रही थी। लेकिन अब जापान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ये रिश्ते कैसे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।